हाय गाइस, कैसे हो? आई हो बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले आज बात कर लेते हैं हम क्रिकेट के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा, कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था, T20 मैच, और वहां पर शुभमन गिल ने क्या ही खेला है, 63 बॉल्स पे 126 मार दिए है। और इस चीज को रिएक्ट करते हुए काफी सारे क्रिकेटर्स भी रिएक्ट करते हैं। ऑल्सो आपको पता होगा, रिसेंटली सोशल मीडिया पर शुभमन गिल एंड सचिन तेंदुलकर की जो बेटी है सारा तेंदुलकर, उसके बीच एक अफेयर चल रहा है। इस तरीके का एक रूमर फैल रहा है, ये दोनों आगे जाकर शादी करने वाले, इस तरीके का एक रूमर फैल रहा है, ठीक है। और उसी चीज को लेकर कल जब मैच था, तब शुभमन गिल के फैंस कुछ चिल्ला रहे थे, आप देखिए। ऑल्सो कल फ्लाइंग बिश ने भी मैच देखने के लिए गया था, और वहां पर शुभमन गिल ने अच्छा खेला, और वहां पर एक स्टोरी शेयर करते हैं उसी के बारे में, आप देखिए। भाई गिल ने आज अलग ही मचा दिया, मचा दिया भाई गिल। गिल भी खुश है, ऊपर सचिन बाजी भी खुश है। सचिन बाजी है, चले गए सचिन बाजी, चले गए बैठे हैं। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ से। तो अगली न्यूज है बिंदास काव्या के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया कि बिंदास काव्या ने इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि जो स्ट्रीट फूड वाले होते हैं, यानी कि सड़क के किनारे जो खाना वाना बेचते हैं, वो लोग हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए कमा लेते हैं, ठीक है, जो कि एक IIT के हाई डिग्री वालों को भी नहीं मिलता इतना, ठीक है। और इसी चीज को किसी ने रिप्लाई करते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे यूट्यूबर से भी वसूलना चाहिए, देश का पैसा लूट रहे हो, सब फालतू की वीडियोज बना के केवल आपको स्ट्रीट फूड वाले ही दिख रहे हैं। फिर इसका रिप्लाई करते हुए बिंदास काव्या लिखते हैं, मार्क्स खत्म होने वाले बेटा, ITR का स्क्रीनशॉट ट्वीट करूंगी, तेरे फट के हाथ में आ जाएगी। 16 साल की एज में टैक्स पे करता हूँ। ऑल्सो बताया कि उनका खुद का पैन कार्ड नहीं है, उनका मम्मी का यूज करते हैं, और टैक्स पे करते हुए काफी प्राउड फील होता है, जो कि देखा जाए 16 साल की एज में टैक्स पे करना काफी बड़ी बात होती है, ठीक है। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ से। तो अगली न्यूज है यूट्यूब शॉर्ट्स अपडेट्स को लेकर। तो जैसे कि आपको पता होगा, यूट्यूब ने बताया कि 1 फरवरी से यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी एड आना शुरू हो जाएंगे और अर्निंग भी बढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जैसे कि आपको पता है, यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस पे 45% यूट्यूब रखते हैं और 55% क्रिएटर्स को देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट्स ने इसका उल्टा कर दिया। यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट्स वालों को 45% देने वाला है और 55% यूट्यूब खुद रखेंगे। ऑल्सो इस चीज के बारे में मनोज ने एक डिटेल्स में वीडियो बनाई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ऑल्सो मनोज की बात हो रहा है तो बता दो, मनोज कुछ यूट्यूबरों से काफी गुस्सा है अभी। अपने कुछ ऐसा यूट्यूबर्स देखे होंगे जो लोग क्या करते हैं, पैसे लेकर वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं कि क्रोम्स के मल्टीपल टैब्स में वीडियो चला के वॉच टाइम वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि एक ये इलीगल चीज है, ठीक है। उसी चीज को लेकर मनोज दे ने यूट्यूब को टैग करते हुए लिखा है इस चीज के बारे में। हालांकि अभी तक मनोज दे को यूट्यूब की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला, अगर मिलता है तो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ से। तो अगली न्यूज है पंजाब के एक वायरल वीडियो को लेकर। तो दरअसल ये वीडियो पंजाब का है और पंजाब में ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है अभी, और इस वीडियो को काफी सारे लोग शेयर करते हुए बताया कि ये धूमपुर की शूटिंग चल रहा है, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई और कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।